हेलो दोस्तों, मैं हूँ ट्रैवल डूढ़ासन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन की। मथुरा और वृंदावन धार्मिक पर्यटक स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ मथुरा, जिसका रामायण में इस नगरी की समृद्धि का वर्णन है। चलिए बात करते हैं मथुरा और वृंदावन की कुछ खास खूबसूरत जगहों के बारे में। नंबर 10, पागल बाबा मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पागल बाबा द्वारा कराया गया था, इसलिए इस मंदिर को पागल बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर मॉडर्न वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर पर हजारों टूरिस्ट आते हैं। आप इस मंदिर के ऊपरी भाग में खड़े होंगे तो आपको पूरा मथुरा शहर दिखाई देगा। नंबर 9, कुसुम सरोवर। यह सरोवर 450 फीट लंबा और करीब 60 फीट गहरा है। इसका नाम राधा जी के नाम पर कुसुम सरोवर पड़ा है। माना जाता है कि राधा इस सरोवर में कृष्ण से मिलने जाती थी। यहाँ का मुख्य आकर्षण शाम को होने वाली आरती है। नंबर 8, राधा कुंड। मथुरा से लगभग 26 किलोमीटर दूर राधा कुंड स्थित है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। इस कुंड को राधा जी ने खोदा था, इसलिए इस कुंड को राधा कुंड कहते हैं। माना जाता है कि इस कुंड में श्याम कुंड का पानी है, जिसमें तीनों जगत के पवित्र पानी को श्री कृष्ण द्वारा लाया गया था। नंबर 7, कंस किला। कंस किला का निर्माण जयपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे और महाराजा सवाई जय सिंह ने यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। यमुना नदी के किनारे यह कंस किला स्थित है। ये किला हिंदू और मुगल वास्तुकला के मिश्रण का एक बेहतरीन नमूना है। नंबर 6, प्रेम मंदिर। यह मंदिर कान्हा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। यह मंदिर रसिक संत सतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की तरफ से तोहफा दिया गया था। मंदिर संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। मंदिर की खूबसूरती देखकर पर्यटकों का मन मोह उठता है। यहाँ पे होने वाला लाइट एंड साउंड शो भी बहुत मशहूर है। नंबर 5, द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1814 में किया गया था। यहाँ आपको भगवान कृष्ण और इनसे जुड़ी घटनाएं कलाकृतियों के द्वारा बखान करते हुए मिलेगी। जन्माष्टमी के दौरान इस मंदिर पर ज्यादा भीड़ होती है। नंबर 4, बांके बिहारी मंदिर। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर आपको भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति मिलेगी। यह मंदिर राधा वल्लभ मंदिर के पास में ही स्थित है। नंबर 3, गोवर्धन पर्वत। इस पर्वत का काफी महत्व है। इस पर्वत को एक बार भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत आने वाले पर्यटक पर्वत के चक्कर जरूर लगाते हैं, जो कि शुभ माना जाता है और इसको परिक्रमा कहा जाता है। नंबर 2, मथुरा संग्रहालय। इसका निर्माण 1974 में किया गया था। पहले इसे कर्जन म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। इस संग्रहालय में कुषाण एवं गुप्त वंश से जुड़ी कई कलाकृतियां रखी गई है। भारत सरकार के स्टैम्प पर भी इसका चित्र छापा गया है। नंबर 1, कृष्ण जन्मभूमि। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है, वह 5000 साल पहले मलपुरा क्षेत्र के कटारा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। जन मान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के परपोत्र ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। ये मंदिर 3 बार टूटा और 4 बार बनाया जा चुका है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की 4 मीटर ऊंची शुद्ध सोने की मूर्ति थी, जिसे महमूद गजनवी ने चुरा लिया था। दोस्तों, इसी के साथ साथ राधा बल्लभ मंदिर, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर सहित ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो आपकी मथुरा वृंदावन की यात्रा को सफल बनाएंगे। अगर आप मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो पास ही आगरा को भी जरूर देख कर आए, जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत इमारतें आपका मन चुराने के लिए बैठी हुई है। आगरा के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, जो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये थी कुछ बातें मथुरा वृंदावन के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।